हेलो स्टूडेंट्स, यह एक्सरसाइज डिस्कशन चैप्टर 6 का है और जिसका नाम है द सेल्फिश चाइल्ड। ये क्लास 5 के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम वेयर द चिल्ड्रेन कमिंग। आंसर होगा द चिल्ड्रेन वेयर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रेन गो आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल। आंसर होगा द चिल्ड्रेन यूज टू गो टू द जाइंट्स गार्डन आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द चिल्ड्रेन गो टू द जाइंट्स गार्डन। आंसर होगा द चिल्ड्रेन वेंट टू द जाइंट्स गार्डन टू प्ले। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वेयर देयर पिच ट्रीज इन द गार्डन। आंसर होगा देयर वेयर 12 पिच ट्रीज इन द जाइंट्स गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द पिच ट्रीज ब्रेक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स। डेलिकेट ब्लॉसम्स यानी कोमल फूल। आंसर होगा द पिच ट्रीज ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग सीजन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द पिच ट्री बियर रिच फ्रूट। आंसर होगा द पिच ट्री रिच फ्रूट इन अटम। क्वेश्चन नंबर 7, हु सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली। आंसर होगा द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली। क्वेश्चन नंबर 8, हु केम बैक। आंसर होगा द जाइंट केम बैक। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर। आंसर होगा द जाइंट हैव बीन विजिट टू हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर। ये कॉर्निश ओगर है, ये इसको हम कार्निवोरस जाइंट यानी नरभक्षी कह सकते हैं, मैन ईटर राक्षस था ये। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग डिड द जाइंट स्टे इन हिज फ्रेंड। आंसर होगा द जाइंट स्टेड टू हिज फ्रेंड फॉर 7 इयर्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, हु डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कैस्टल यानी महल। द जाइंट डिटरमाइंड टू रिटर्न टू हिज ओन कैस्टल। क्वेश्चन नंबर 12, हु सॉ द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन। आंसर होगा द जाइंट सॉ द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 13, हु क्राइड इन अ ग्रफ वॉइस। आंसर होगा द जाइंट क्राइड इन अ ग्रफ वॉइस। क्वेश्चन नंबर 14, हु रैन अवे आफ्टर लिसनिंग द जाइंट्स रफ वॉइस। आंसर होगा द चिल्ड्रेन रैन अवे आफ्टर लिसनिंग द जाइंट्स रफ वॉइस। क्वेश्चन नंबर 15, what did the giant build all round the garden? Answer होगा, the giant built a high boundary wall all round the garden. Question number 16, did the spring come into the giant's garden? Answer होगा, no, the spring did not come into the giant's garden. Question number 17, did the autumn give golden fruit to every garden? Yes, the autumn gave golden fruit to every garden. Question number 18, who was lying awake in bed? Answer hoga, the giant was lying awake in bed. Question number 19, who jumped out of bed and looked out? Answer hoga, the giant jumped out of bed and looked out. Question number 20, who had the little children come into the garden? Answer hoga, the little children had come. Question number 20, फिर से देख लीजिए। Question number 20 में जो मैं who बोला था वहां how है। How had the children, little children come into the garden? Answer hoga, the little children had come into the garden through a hole. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21,
who was really very sorry for what he had done. Answer hoga, the giant was really very sorry for what he had done. For what he had done. Yahan pe. Question number 22. Who came running back? Answer hoga, the children came running back. Question number 23. Who took a great axe and knocked down the wall? Answer hoga, the giant took a great axe and knocked down the wall. Question number 24. Who found the giant playing with the children? Answer hoga, the people found the giant playing with the children. Question number 25. Who stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him? Answer hoga, the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. Question number 26. What did the children do after seeing the giant? Answer hoga, when the children saw that the giant was not wicked any longer, came running back and with them came a spring. अब आपका एक्सरसाइज डिस्कशन शुरू होता है. एक्सरसाइज डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर ए में है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. द कैरेक्टर्स गिव्ड बिलो हैव सम यूनिक पावर्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल. डिस्कस इन द क्लास विच वन यू लाइक द मोस्ट और डिसलाइक द मोस्ट. गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. तो मैं इसमें लिख दिया हूं, फर्स्ट का डेमोन, सेकेंड का अलादीन एंड द जीन, और थर्ड में द फेयर. द फेयरी के बारे में मैं लिख दिया हूं यहां पर. सी इज अ काइंड फेयरी, सी इज वेरी क्यूट, सी ऑलवेज गूंज एवरीबडी, सी हेल्प्स एवरीबडी इन ट्रेवल्स, दस वी कैन से दैट सी इज वेरी हेल्पफुल. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. द गार्डन वाज ब्यूटीफुल. जो भराएगा उसको मैं यहां लिख दिया हूं. फर्स्ट में होगा ब्यूटीफुल, सेकेंड में रिच फ्रूट, थर्ड में ग्रफ, फोर्थ में डेलिकेट और फिफ्थ में वंडरफुल. फिर सी, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग. जैसे यहां अ रूम वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, तो यहां पे वन में क्या हो जाएगा, ऑफिस. उसी तरह सेकेंड में अ बिल्डिंग कंटेनिंग बुक्स फॉर बोरोइंग, तो हो जाएगा लाइब्रेरी. उसी तरह थर्ड का हो जाएगा आपका होटल, फोर्थ का हो जाएगा सिनेमा, फिफ्थ का गैरेज, सिक्स्थ का फैक्ट्री, सेवन का हॉस्पिटल और एट का पैलेस. क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन. तो इसमें से दो ऑप्शन दिया है बीच में. जैसे देखिए आप, आरुषी थ्रू द बनाना पील डैश द डस्टबिन, और डैश के बाद दो प्रीपोजिशन दिया है, बिटवीन और इन टू. तो ये बिटवीन और इनटू में से क्या होना चाहिए, तो इनटू सही होगा. तो इनटू के लिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं पहले, उसके बाद ई देखेंगे. जैसे मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. तो पहले इस आपका ये कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन से सेंटेंस बना देना है. देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी. डिटरमाइंड से, आई एम डिटरमाइंड टू गेट अ जॉब इन डिफेंस. कैस्ट से, द किंग लिव्स इन हिज कैस्ट. और वंडर्ड, ही वंडर्ड हियर एंड देयर. केसमेंट, देयर इज अ केसमेंट ऑफ अ विंडो हियर. उसके बाद विक्ड, यू आर अ विक्ड बॉय. उसके बाद ई आते हैं. आपको हम पहले ही ई बोल दिए थे, डी के पहले, अब ई आते हैं. ई में आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को रखना है, जिसमें जैसे फर्स्ट में है आपका बिटवीन और इनटू, तो इसमें इनटू आएगा. सेकेंड में है आपका बिहाइंड और एबव, तो इसमें से बिहाइंड आएगा. इसी तरह जो प्रीपोजिशन सुटेबल है उसको हम उसके सामने लिख दिए हैं, आप उसमें से आप देख लीजिएगा, इसमें फिल कर दीजिएगा. फिर क्वेश्चन नंबर एफ, अंडरलाइन द सुटेबल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. जैसे कि एट और ऑन है, आई कंप्लीट माई होमवर्क एट ऑन नाइट. तो ये एट ऑन में से कौन सही होगा, उसके लिए यहां पर दिया गया है. जो भी सही प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है उसको यहां पे लिख दिया गया है एफ में, आप इसको देख लेंगे. उसके बाद जी,
Choose and write the correct answer. जैसे the giant had a beautiful, उसके बाद यहां पे क्या है house, तो यहां house लिख दिया गया है. Second में seven है तो seven लिख दिया गया है. Third में selfish है. Fourth में जो है यहां पे wall. Fifth में winter और sixth में children जो है वो लिख दिया गया है. फिर H में match है, match the columns. तो H में आपका one के सामने E होगा, two का A, three का B, four का F, five का C, six का D. फिर क्वेश्चन नंबर I देखते हैं. I है आपका true false. I है true false. जैसे I का one false है, second false है, फिर third true है, fourth false है, fifth false है और sixth true है. अब आपका क्वेश्चन नंबर J है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द चिल्ड्रेन यूज टू प्ले एवरी आफ्टरनून. आंसर होगा द चिल्ड्रेन यूज टू प्ले एवरी आफ्टरनून इन द जाइंट्स गार्डन. इन द जाइंट्स गार्डन. Describe the beauty of the garden. Second में है तो ये garden के बारे में लिख दिया है. The garden was very lovely with soft green grass. There were beautiful flowers like stars. There were 12 peach trees that broke out into delicate blooms of pink and pearl in autumn and bore rich fruit. The birds sat on the trees and so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. Question number third. What did the giant do to stop the children from entering his garden? The giant built a high boundary wall round the park to stop the children from entering his garden. Question number fourth. Why there was always winter in the giant's garden? Answer hoga. There was always winter in the giant's garden because the giant was very cruel and prohibited the children to play in his garden. Question number fifth. How did spring come back to the giant's garden? When children came back to play in the garden, the spring came back to the giant's garden. Question number six. How did the giant change in the end? Answer hoga. When the giant saw that the little boy could not climb the tree, his heart was melted. After that, he decided to put that little boy on the top of the branch of the tree. Then he knocked down the wall and told that his garden shall be the children's garden forever and ever. He was really very sorry for what he had done. Thus, the giant changed himself in the end. इस तरह आपका ये एक्सरसाइज डिस्कशन भी पूरा हुआ, यानी असाइनमेंट डिस्कशन और एक्सरसाइज डिस्कशन दोनों पूरा हुआ चैप्टर सिक्स का. आप लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.